वाज आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सर्वाइवर सीरीज 2021 की फर्स्ट एंड लास्ट बैटिंग और परीक्षा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG सर्वाइवर सीरीज WWE के फोर मोस्ट पीपीवी में से एक हम लोगों को कल देखने को मिलने जा रहा है। इस बार का सर्वाइवर सीरीज दोस्तों काफी मजेदार होगा। इसके अंदर दोस्तों हर एक फाइट काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड सुप्रीमेसी के नाम पर दोस्तों कल आपको काफी ज्यादा आतंक देखने को मिलेगा। ज्यादा इस बात की टाइमिंग ही टाइमिंग आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, सुबह 6:30 बजे से 22 तारीख रहेगी, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। वहीं बात कर ली जाए दोस्तों इस पीपीवी के सबसे पहले मैच की, तो गाइस इकलौता ऐसा मैच है जिसके अंदर कोई भी चैंप नहीं है और ये होने जा रहा है दोस्तों 25 मैन बैटल रॉयल। तो गाइस बैटल रॉयल होने जा रही है, जहां गाइस बात करूं कंटेस्टेंट्स की, इसके अंदर एजे स्टाइल्स है, इसके अंदर सेमी जेन है, रिकोशे है, तथा जिंदर महाल भी अपने। तो गाइस कौन इस मैच को जीतेगा? मेरे हिसाब से दोस्तों इस मैच को एजे स्टाइल्स जीतने वाले हैं। इस मैच के ऑड्स हमारे सामने नहीं आ पाए क्योंकि ये कल ही कन्फर्म हुआ है, स्मैकडाउन में कन्फर्म हुआ है, जहां सेमी जेन को बताया गया सबसे पहले कि ये बैटल रॉयल हो रही है और उसका आप हिस्सा है। वाइज मेरे हिसाब से इसके अंदर एजे स्टाइल्स जीतेंगे, जिसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि गाइस उनके साथ ओमोस रहेंगे। ओमोस दोस्तों उन्हें काफी ज्यादा लाभान्वित यहां कर सकते हैं और उनकी मदद से एजे इसके अंदर विजय प्राप्त करेंगे। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। मेन कार्ड में जो सबसे पहला मैच हम लोगों को देख रहे हो मिलने जा रहा है, वो होने जा रहा है हमारे आईसी चैंपियन यानी कि दोस्तों इसके नाकामुरा का, जो कि फेस करेंगे हमारे यूएस चैंपियन यानी कि डेमियन प्रीस्ट को। तो मिड कार्ड चैंप्स की बैटल होगी। सबसे पहले इस पर्टिकुलर मैच की बात करते हैं तो इनकी राइवलरी दोस्तों डब्ल्यू वालों ने उस तरीके से नहीं दिखाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। ये कुछ ऐसा है जैसे कि दोस्तों नई नवेली दुल्हन अरेंज मैरिज में अपने पति से मिलती है सुहागरात पर, कुछ वैसा ही है। आप गाइस मैच की बात करो, मैच दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि दोनों ही काफी टेक्निकल सुपरस्टार्स है। एक दोस्तों काफी ब्रूटल है और दूसरा ब्रूटल हो जाता है। डेमियन प्रीस्ट को आत्मा आ जाती है आजकल जब भी दोस्तों उनकी ज्यादा पिटाई हो जाती है। तो यहाँ ऑड्स की बात करते हैं, ऑड्स दोस्तों चले हुए डेमियन प्रीस्ट के पक्ष में, जो कि चले हुए -200 के ऊपर, शिंस के चले हैं +150 के ऊपर। दैट मींस इसके अंदर जो व्यक्ति विजय रहेगा वो कोई और रही, वो है अपने यूएस चैंपियन की डेमियन प्रीस्ट। तो यहाँ दोस्तों रॉ को सबसे पहले पॉइंट मिलेगा। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच होना है वो होना है दोस्तों टैग टीम चैंपियंस के मध्य, और ये होगा आरके ब्रो वर्सेस उसोस। तो उसोस फेस करने वाले हैं और द मोस्ट पॉपुलर टीम एवर यानी कि आरके ब्रो को। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि उसोस जीतने चाहिए मेरे हिसाब से, बट यहां दोस्तों मेरी नहीं चल रही है और चले हुए दोस्तों हमारे आरके ब्रो के पक्ष में, जो कि चले हैं -250 के ऊपर। उसोस चले हुए दोस्तों +170 पर, काफी बड़ा उलटफेर है और यहां साफ हो रहा है जो टीम इसके अंदर विजय प्राप्त करेगी वो है रॉ की ही टीम यानी कि आरके ब्रो। चलते हैं इससे अगले मैच ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोग वो देख रहे हो बोलेगा वो रहेगा दोस्तों हमारी महिलाओं का ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच। तो महिलाओं का ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच होना है, जहां गाइस बात करूं रॉ की टीम के लीडर है जो वो है हमारी बियांका ब्लेयर, उनके साथ ली मॉर्गन, कार्मेला है, वेगा है और हमारी दोस्तों टैग टीम चैंपियन यानी कि रिया रिप्ली साथ में है। वहीं गाइस बात की जाए स्मैकडाउन की टीम की तो वहां है साशा बैंक्स, उनके साथ में शॉट्सी ब्लैक हार्ट जो कि उनकी दुश्मन भी है, नटालिया है, शेन है और फाइनली जो कंफर्म हुए वो है टोनी स्ट्रोम। तो मैच काफी मजेदार लग रहा है। अब गाइस बात की जाए ऑड्स की, और सुनकर आप काफी ज्यादा बहुत चक्के हो जाएंगे। ऑड्स बिल्कुल इवन चले हुए हैं, दोनों ही -140 के ऊपर, यानी कि कोई भी टीम इसके अंदर विजय प्राप्त कर सकती है, बट मेरे अनुसार इसके अंदर टीम स्मैकडाउन विजय प्राप्त करेगी। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है उसके लिए दोस्तों मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मैच दोस्तों मैं सबसे ज्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज्यादा एक्साइटेड होगा, और ये है दोस्तों बैकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। तो गाइस वुमन चैंप्स आपस में भिड़ेगी। बात कर लेते हैं इनकी राइवलरी की। इनकी राइवलरी के बारे में दोस्तों डिस्कशन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गाइस इस मैच के अंदर एक बड़ा स्क्रू जॉब होने वाला है, ऐसी रिपोर्ट्स है। बैकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन बैकी के मुताबिक जब बैकी
2019 में काफी ज्यादा ओवर हो जाती है, वहीं से शार्लेट फ्लेयर की हेट बढ़नी स्टार्ट हो गई। एक कॉम्पिटिशन था और इसमें दोस्तों शार्लेट फ्लेयर मात खा रही थी, ऐसे में उन्होंने किया अभी से ठीक 4 हफ्ते पहले वो कांड जो कि किसी ने नहीं सोचा था। वो ऑफ स्क्रिप्ट गई, उन्होंने टाइटल्स देने के बजाय टाइटल अपना जमीन पर गिरा दिया जब दोस्तों टाइटल स्वाप हो रहा था। तो मैच दोस्तों अपने आप में काफी पर्सनल है और चले हुए दोस्तों बैकी लिंच के पक्ष में, जो कि चले हुए -400 के ऊपर, शार्लेट चलिए +250 के ऊपर। दैट मीन्स इसके अंदर कोई और नहीं, हमारी बैकी लिंच ही विजय प्राप्त करेगी और मंडे नाइट रॉ के नाम रहेगा ये पर्टिकुलर मैच। अब गाइस इस मैच के अंदर बताया जा रहा है कि बड़ा स्क्रू जॉब होने वाला है या फिर कोई पॉलिटिकल फंडा इसके अंदर हम लोगों को देख रहे हो मिलेगा, तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। तो गाइस इसके बाद जो अगला मैच होने वाला है वो होने वाला है मेंस का 5 vs 5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो विंस मैकमैन के बाप ने दोस्तों ट्रेडिशन चलाया था और अभी तक ये चल रहा है सालों साल। दोस्तों हम देखते हैं कि एक टीम आती है रॉ से और एक टीम आती है स्मैकडाउन से, कभी कभार एनएक्सटी भी इंडल्ज हो जाता है। मैच काफी ऑसम रहता है इनका और इसी के बिना पर दोस्तों इस पर्टिकुलर पीपीवी का नाम रहता है, यानी कि सर्वाइवर सीरीज। सर्वाइव करना होता है इस पर्टिकुलर मैच में किसी एक टीम को जो कि ब्रांड का नाम ऊपर रखने के लिए लड़ रही होती है। इस बारी रॉ की टीम में दोस्तों जो कंटेस्टेंट है वो काफी तगड़े हैं। यहाँ दोस्तों लैशली है, ऑस्टिन थ्योरी है, हमारे फिन बैलर है, केविन ओवेंस है और उनके साथ है उनके लीडर हमारे अपने सेथ ब्रेकिंग रॉलिंस। वहीं बात की जाए स्मैकडाउन की टीम में दोस्तों लीडर है ड्रू मैकइंटायर, उनके साथ है जेफ ब्रेकिंग हार्डी, हमारे किंग वुड्स, कॉर्बिन एंड शेमस जो कि दोस्तों कल ही कंफर्म हुए हैं। तो गाइस मैच बहुत सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही टीम में काफी अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स हैं। हालांकि बात की जाए किसके ऑड्स बेहतर चल रहे हैं, तो गाइस ऑड्स जिसके बेहतर चल रहे हैं वो है टीम स्मैकडाउन जो कि चले -250 के ऊपर। वहीं दोस्तों रॉ की टीम जो कि काफी स्ट्रांग लग रही है उनके ऑड्स बिल्कुल विपरीत है, वो चले +175 के ऊपर। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मैच के अंदर टीम स्मैकडाउन के जीतने के ज्यादा चांसेस है और ड्रू मैकइंटायर जो है इसके अंदर टीम स्मैकडाउन को जितवाएंगे। यहाँ दोस्तों बात हो चुकी है सारे के सारे मैचेस की, अब बचता है सिर्फ एक मैच जिसका इंतजार सारे भारतवर्ष को है और ये होने जा रहा है दोस्तों हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो कि फेस करेंगे WWE चैंपियन यानी कि बिग ई को। तो बैटल ऑफ चैंपियंस हम लोगों को मेन इवेंट में देखने को मिलने जा रहा है, कंफर्म है कि मेन इवेंट में होगा। जहाँ गाइस बात की जाए इनकी पर्टिकुलर राइवलरी की, तो रोमन रेंस ने सबसे पहले कोफी को इंजर्ड किया, कोफी दोस्तों इंजर्ड हो गए, ब्लड लाइन वालों का दोस्तों काफी नाम हो गया। उसके अगले हफ्ते में दोस्तों जेवियर वुड्स को भी नहीं छोड़ा जाता है। फिर दोस्तों ये हफ्ता आता है और इसमें हमें जो चीज देखने को मिलती है उससे बहुत से लोगों के आंखों को सकून मिल गया। हुआ क्या इस बार की स्मैकडाउन में कि गाइस जो हमारे बिगी है उन्होंने रोमन रेंस को स्मैकडाउन में आकर बहुत गंदे तरीके से पीटा, साथ में उनके जेवियर वुड्स भी थे, इतना पीटा कि गाइस रोमन रेंस को वहां से भागना पड़ गया। यहाँ गाइस बात की जाए ट्राइबल चीफ की, तो ट्राइबल चीफ दोस्तों इस चीज का बदला सर्वाइवर सीरीज में जरूर लेंगे क्योंकि इस वक्त उनके ऑड्स ही सबसे ज्यादा चल रहे हैं। रोमन रेंस चल रहे हैं -400 के ऊपर, बिगी चले हुए हैं +200 के ऊपर, काफी बड़ा अंतर है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई और नहीं, हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ही विजय प्राप्त करेंगे। गाइस ये रही सर्वाइवर सीरीज की बैटिंग ऑड्स प्रेडिक्शन, लेकिन अब बात कर लेते हैं अपने टॉप सरप्राइजेस की। तो गाइस नंबर 2 पर जो सरप्राइज आता है वो है दोस्तों स्क्रू जॉब। तो स्क्रू जॉब तो दोस्तों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कुछ होना है, मे बी इस स्क्रू जॉब के अंदर विंस मैकमैन एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो विंस मैकमैन का एक कैमियो रोल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जहां गाइस वो शार्लेट फ्लेयर को स्क्रू कर सकते हैं अथॉरिटी फिगर बन के और बैकी लिंच के सपोर्ट में आ सकते हैं। तो हाँ दोस्तों विंस मैकमैन हो सकते हैं सर्वाइवर सीरीज का पार्ट। लेकिन गाइस अब बात कर ली जाए नंबर 1 सरप्राइज की, तो गाइस वो है द रॉक का रिटर्न। तो ड्रामा बुल द रॉक के ऊपर दोस्तों काफी ज्यादा अपडेट्स आ रही है, बताया ये जा रहा है दोस्तों इस बार की सर्वाइवर सीरीज में अटेंडेंस में होंगे रॉक। दोस्तों अगर सर्वाइवर सीरीज में आते हैं तो इससे दोस्तों काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा WWE वालों को, सिंस दोस्तों ये रॉक की 25th एनिवर्सरी, ऐसे में उनका ना आना लोगों को भी काफी ज्यादा निराश करेगा। और गाइज रॉक के नाम अगर ये पूरा का पूरा महीना रहा है तो रॉक की एक अपीयरेंस तो बनती ही बनती है। और इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये भी है कि वो आए कि
उनकी मूवी आ रखी है रेड नोटिस, जो कि नेटफ्लिक्स पर काफी अच्छा करी है। तो यहाँ दोस्तों सारी की सारी चीजें इस ओर इशारा करी है कि वहां आकर रॉक जो है रोमन रेंस के साथ फेस ऑफ कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैच नेक्स्ट रेसलमेनिया में नहीं होना है फिर भी दोस्तों इसकी नींव इस बारी की सर्वाइवर सीरीज से डाली जा सकती है। तो गाइस रॉक वर्सेस रोमन शोडाउन भी देखने को मिल सकता है इस बारी की सर्वाइवर सीरीज में, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है, आप किस ब्रांड को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और किस सुपरस्टार के आप सबसे बड़ा वाले फैन है उसका नाम मुझे जरूर बताएगा। साथ ही साथ दोस्तों अब आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेला आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।